नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, यानी जो भी मेरी नई वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे गोलगप्पे यानी पानी पूरी की पुड़िया, यहाँ पे हमने घर पे ही बनाया दोस्तों। देखो कितनी करारे हैं, देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने, मैं तोड़ के भी बता रही हूँ। एकदम परफेक्ट यानी परफेक्ट बनते, खाली दो चीज से ही बनते। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना है, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे प्यार देते रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सूजी ली है, यहाँ पे कौन सी भी सूजी चाहिए, मैं मोटी जाड़ी जो आपके घर में होगी वही लेना है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे हमें मोटी सूजी चाहिए या बारीकी सूजी चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी। जो सूजी आपके पास होगी वो सूजी लेना है। यहाँ पे मेरे पास बारीक सूजी है, घर पे थी तो वही मैं सूजी ले रही हूँ दोस्तों, कंपलसरी नहीं। मैं दो बार इसलिए बता रही हूँ कि जो होगी वही लेना है। और यहाँ पे मैंने मैदा लिया हुआ है, मैदा मैं आपको बताऊँ कि कैसे डालना है। और यहाँ पे मैंने पानी लिया हुआ है, अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस बताते क्या करना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सूजी डाल देंगे। अभी हम लोग पानी पूरी बनाए उसका मेजरमेंट है दोस्तों, प्लीज ध्यान देना है। जितना अपने वाटी, कौन सा भी वाटी, अभी मेरे पास ये प्रमाण है तो यही प्रमाण आपके पास, जो आप बना रहे हो कौन सी भी वाटी या कुछ भी मेजरमेंट आपने लिया होगा उतना ही मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे मैंने जो एक बाउल लिया यानी छोटी वाटी, उतना ही मैं एक डाल दूंगी सूजी। और यहाँ पे हम लोग दो चम्मच मैदा डालना है, सिर्फ दो चम्मच डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ कोटिंग आने के लिए दो चम्मच हम लोग यहाँ पे मैदा डाल देंगे सिर्फ। अभी पानी लेंगे, अभी जितना हमने पानी लिया था, सॉरी जितना हमने ये सूजी लिया था उससे आधा हमें पानी लेना है, सिर्फ आधा पानी लेना है, सूजी से आधा पानी, परफेक्ट ये आधा। एक बार और बताओ, जितना आपने सूजी लिया हो उससे आधा हमें पानी ले लेना है बस। अभी हम पानी को थोड़ा गुनगुना गर्म करना है। अभी यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया, एक बर्तन ले लिया है दोस्तों। अभी यहाँ पे पानी को हम थोड़ा गर्म कर लेना है, सिर्फ गर्म करना है, उबालना वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ यानी सिर्फ गर्म करना है, गुनगुना तरफ जैसे। अभी थोड़ी बबल्स चालू हो गए जी, तो ये गर्म हो जाएगा पानी हमारा, और ये पानी पूरी बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। घर में एक बाहर की खाना भूल जाओगे, इतनी एकदम एकदम करारी बनती है, देख रहे हो। उबालना नहीं है हमें, सिर्फ यानी सिर्फ गर्म करना है बस। अभी ये गर्म हो गया, थोड़ी थोड़ी बबल दिख रही है हल्की सी। अभी यहाँ पे हम लोग गैस बंद कर देंगे, पानी गर्म हो गया हमारा। अभी यहाँ पे हम लोग पहले मैदा और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यानी एक जीव। और यहाँ पे नमक नहीं डालना है, आपको वो लगा है कि मैडम ने नमक नहीं डाला, नमक नहीं डालना है यहाँ पे हमें दोस्तों। नमक डालोगे तो हमारी पूरी फूलेगी नहीं और नरम हो जाएगी, पहले फूलेगी फिर ऐसा लगे वह बहुत अच्छी फूल रही है, तो फिर बाद में वो क्या होते हैं एक दो घंटे में सॉफ्ट हो जाती है। फिर हमें जैसे चाहिए बाहर की, जैसे जैसे ठेले पर हम लोग खाने जाते हैं यानी गाड़ी पे, तो उनकी कैसी रहती करारे वैसी नहीं रहती। अभी यहाँ पे हमने पूरा मिक्स कर लिया, यहाँ पे हम लोग जितना मैंने पानी लिया था उतना ही डाल देना है यहाँ पे सूजी का बस, इससे एक्स्ट्रा पानी हमें डालना नहीं है, और हाथों से मिक्स कर ले जाना है। ये अपने आप डो बन जाता है, और डो बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी लगता है, एक मिनट भी लगता नहीं है। अभी हम हाथों से कर लेंगे, डो बना लेते हैं। आप बनाओगे ना दोस्तों घर पे तो आपको खुद को फील होगी, यार ये तो इतनी जल्दी आसानी तरीके से बन जाती है, एकदम फटाफट बन जाती है। आप बाहर का खाना भूल जाओगे यानी पानी पूरी, इतनी हमारी अच्छी बनती है करारी। गर्म पानी से क्या था, सूजी भी हमारी अच्छी तरह से फूल जाती है, इसलिए यहाँ पे गर्म पानी डालना है हमें। और यहाँ पे खाने का सोडा वगैरह कुछ नहीं डालना, बिना सोडा ही करके ही डालना है हमें। सोडा डालने से क्या होता है, ऑयली ऑयली हो जाती है हमारी पानी पूरी, जैसी बाहर की जैसे हमारी पानी पूरी होती नहीं है दोस्तों, देख रहे हो। मुझे टाइम भी ज़्यादा लगा नहीं, कुछ नहीं, तुरंत हमारा डो रेडी हो गया है, बाउल भी हमारा क्लीन हो गया है। इसी तरह से इसका पानी का प्रमाण ही, जितना आपने सूजी लिया उससे आधा ही पानी लेना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं लेना है, नहीं तो आपकी पूरी बराबर बनेगी नहीं, पूरी सॉफ्ट हो जाएगी और कलर जैसा चाहिए वैसे हमारा आएगा नहीं, देख रहे हो। मैंने बाउल पूरा क्लीन कर लिया है, मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया हुआ है क्योंकि ये मेन डो होती है हमारी। इसी तरह से हमें पानी पूरी का डो चाहिए, देख रहे हो एकदम सॉफ्ट, ज़्यादा टाइट भी नहीं कुछ नहीं, एकदम इसी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग 10 मिनट के लिए सेट करें, सिर्फ 10 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए हम लोग सेट करने को रख देते हैं। अभी यहाँ पर हमारा 10 मिनट हो गया है, अभी हम चेक कर लेंगे डो हमारा कैसे हुआ, देख रहे हो एकदम सॉफ्ट, जैसे हम गेहूं का आटा कैसे डो करते हैं वैसे सेट होता है, वैसे ये सेट हो जाता है, देख रहे हो पूरा इसी तरह से। अभी मैं इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे यानी डो को, देख रहे हो इसी तरह से। अभी यहाँ पर हम लोग चकला ले लेते हैं यानी इसकी लुहिया बना लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है, यहाँ पे डो रख लिया हुआ है,
जितनी साइज के आपको चाहिए उतनी साइज के आपने यहाँ पे हम लोग लुए बनाए गए, यानी छोटे छोटे पेड़े। इसको मैं दो में डिवाइड कर लेती हूँ इसी तरह से। और बहुत अच्छी बनती है दोस्तों, एकदम परफेक्ट, जैसे आप लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे एकदम बाहर से लेके आए, से बाहर से भी बहुत अच्छा बनता है ये। इसी तरह से कर लेना है और यहाँ पे छोटे छोटे लुए बना लेने आधा ही दर्जन, और इसको ऐसे कर लेना है। देख रहे हो, पहले मैं ऐसे कर लेती हूँ, यानी छोटे छोटे लुए। इससे हमें क्या होता है, बेलने में भी आसान तरीका है और करारे भी बहुत अच्छे बनते हैं इसी तरह से। यह में हमारी 100 पूरी हो जाती है 200 ग्राम सूजी में, और बहुत जल्द से जल्द बन। जब भी आपको पानी पूरी खाने का मन हो, ऐसे पहले पूड़ियाँ बना लेनी है और फिर बाकी की तैयारी करनी है, पानी पूरी की, मसाले की। इससे बाकी के सारे लुए हम ऐसे ही बना लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने बाकी के सारे तोड़ लिए। अभी हम बिना ऑयल लगाए इसको ऐसे कर लेना है गोल गोल, बिना ऑयल के ही। यहाँ पे ऑयल नहीं लगाना है हमें, सिर्फ बिना ऑयल के ऐसे हमें गोल गोल बना लेना है। फटाफट कर लेना है इसी तरह से, सिर्फ बाकी हम ऐसे ही सब कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए, हल्का सा यहाँ पे हमें ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ यहाँ पे सूखा मैदा ले लेना है, छिड़क लेना है, यानी ये पेड़े चिपकेंगे नहीं। इसको ऐसे कर लेना है, हल्के हल्के हाथों से इसे डस्ट कर लेना है, यानी हमें बेलने में भी आसान तरीका होगा और यहाँ पे पेड़े हमारे चिपकेंगे नहीं। अभी जितने हमें करना है इसे थोड़े थोड़े लेते जाना है। अभी यहाँ पे थोड़ा ले लेती हूँ और इसको मैं इसे ढक देती हूँ, क्योंकि सूखना नहीं चाहिए इसी तरह से। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बिछा दिया हुआ है साइड में, इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पे मैं बेलन ले लूँगी, बेलन में थोड़ा, बेलन को मैं थोड़ा चिकना बना लेती हूँ, यानी इसी तरह से एक ही बार करना है। और यहाँ पे हम लोग एक एक लुए ले लेंगे और इसको पतली, जैसे रोटी की से हमारी बेलती है वैसे ही हमें इसको बेलना है, रोटी के जैसे ही इसी तरह से। देख रहे हो, मैं और एक दो बार बताऊंगी आपको। इसको थोड़ा साइड रख ले जाते हैं। बेलन को ऑयल लगाने से क्या होगा, हमारी पूरी चिपकेगी नहीं हमारी बेलन को, और निकलने भी आसान तरीका हो जाता इसी तरह से। और यहाँ पे हमें कपड़े पे बिछाते जाना है और बेलते जाना है दोस्तों। यहाँ पे साइड पे रख लेती हूँ मैं। जो साइज की चाहिए वो साइज से आप के कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बेलन को ऑयल लगा इसलिए ये चिपक नहीं रही है, निकलने में आसान तरीका हो रहा है ये। इसी तरह बाकी के सारी पूरी हम ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारी पूरी बेल दी है दोस्तों, आप देख रहे हो। यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा नहीं लिया, जो नॉर्मल कपड़ा होता है वही कपड़े में मैं रखा है। जैसे कि आपके पास कोई किचन टॉवल होगा या दुपट्टा जो काम का होगा किचन का, आप उस पर रख सकते हो, खाली गीला नहीं करना, जैसे वैसे लेना है हमें। अभी आप देख रहे हो इसी तरह से मैंने पतली बेल ली हुई रहा दोस्तों। अभी हम लोग फ्राई करने वाले इसको, तो नीचे की साइड हमें तेल के नीचे की साइड ही चाहिए और ऊपर वाली साइड ऊपर ही चाहिए। ये नीचे वाली साइड है और ये ऊपर वाली साइड है। जब हम फ्राई करेंगे तो आप लोगों को ध्यान देना, ये एक बात का टिप्स है, नीचे के पार्ट नीचा ही ऊपर के पार्ट ऊपर ही ऐसे फ्राई करते समय हमें चलना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने को रख दिया था पहले से, और ऑयल हमें एकदम कड़क चाहिए दोस्तों, ठंडा ऑयल थोड़ा भी नहीं चाहिए, एकदम कड़क ऑयल होता हमारी पूरी एकदम फुलेगी एकदम करारी। अभी नीचे का पार्ट हमें नीचे ही रखना है, ऊपर का पार्ट हमें ऊपर ही रखना है, ये हमारी टिप्स है। अभी देखो आप, और ऐसे जो चमचे से ऐसे इसको दबाते जाना है, देख रहे हो एकदम फूल गई, उसको तुरंत पलटी करना है और तुरंत दूसरी हमें एक बाजू डालते जाना है और इसको ऐसे करते जाना है। और गैस की फ्लेम हमें फास्ट ही चाहिए, स्लो नहीं चाहिए, इसी तरह से तुरंत पलटी कर लेनी है। लग रहे ना एकदम करारे गोल गप्पे। अभी लॉकडाउन भी है तो ये चीज तो ऐसी कि हमें बहुत अच्छी लगती खाने में। इसको ऐसे पलटी करना है, देख रहे हो एकदम कलर, तुरंत दूसरी डालते जाना है। इसी तरह से इसे पलटी करना है, जो जो हमारी रेड रेड कलर हो गई है वो उसको निकालते जाना है, साइड साइड में से निकालते जाना है। देख रहे हो इसी तरह से,
परफेक्ट, मैं बता रही हूँ आपको, इसको निकालते जाना, जैसे जैसे हमारी पूड़ियाँ होती जाती है वैसे वैसे इसको साइड से निकालते जाना है इसी तरह से। मैं और भाई बताऊंगी आपको, क्योंकि पूड़ियाँ सबकी बस की बात नहीं है, सबको नहीं जमती दोस्तों, जिसकी जमती है तो उसको अच्छा था, जिसको नहीं जाता सॉफ्ट हो जाती है पूड़ी। क्योंकि क्या होता है ठंडे ऑयल में आप लोग गर्म करते हो यानी फ्राई, तो ये होता नहीं बराबर, इसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं कुछ नहीं, बस एक बाउल से हमने अभी 100 पूड़ियाँ बना रहे हैं हम, और ये फटाफट बन जाती है। इसको ऐसे पलटी कर लेना है, वैसे निकालते जाना है, कलर अपने आप ये चेंज हो जाता है। बाकी की सारी पूड़ियाँ भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते, कलर देखो कितना परफेक्ट है ना, इसी तरह से बाकी की सारी फ्राई कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाता है। देखा ना दोस्तों कैसे बना दी एकदम कम समय में और झटपट बनने वाली पानी पूरी की पूड़ी यानी गोलगप्पे। तो रिजल्ट आपके सामने, देखो कितने, थोड़ा भी ऑयल नहीं है ना, इसी तरह से देख रहे हो। तो अभी हम इसको तोड़ के बताने वाले हैं, आवाज देखना है ओके। और एक लेंगे हम, इसको थोड़ा साइड करेंगे और एक तोड़ के बताएंगे एकदम, और एक इसे देख रहे हो, और इसी तरह से और एक देख रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने। तो मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा, तो जितना होगा उतना शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार दे देना और घर पे ट्राई करना ये रेसिपी। धन्यवाद दोस्तों।